हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का। एक्सरसाइज नंबर है 11.13। देखिए स्टूडेंट्स, 11.13 जो हम देखने वाले हैं वो हमारा जो टॉपिक है उसमें प्लेन के सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये वीडियो में देखिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 6 के सारे एग्जांपल देखेंगे। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन जो भी है सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी हमने दूसरे वीडियो में देखा हुआ है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के जो क्वेश्चन है वो देखने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 और 4, 1 टू 4 के सारे एग्जांपल्स को आप ज़रूर देखिए, ताकि आपको इसमें जो क्वेश्चन 6 और 5 है उसके एग्जांपल्स आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हमने डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, और तो जहाँ पर रिक्वायर्ड है वहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इसके अलावा मैंने और भी जो टॉपिक वाइज इसमें भी जो बेस्ड ऑन क्वेश्चन 6 और 5 पर थ्योरम है उस पर बेस्ड एग्जांपल्स मैंने सेपरेटली सॉल्व किया हुआ है, और उसमें जो थ्योरम इन्वॉल्व है उसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको उसको भी सॉल्व करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक को फॉलो करिए, और आप इस पर बेस्ड और भी एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5th और 6th के सारे एग्जांपल देखेंगे स्टूडेंट्स, और इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसको हम दूसरे लिंक दूसरे वीडियो में देखेंगे, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन नंबर 5th से स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5th देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन फाइंड आउट करना है। कब, व्हेन पॉइंट एंड नॉर्मल टू द प्लेन इज गिवन। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम ये इस पर बेस्ड फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर इस पर बेस्ड एग्जांपल जो दोनों एग्जांपल है वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5th क्या है, हमें इक्वेशन क्या फाइंड आउट करना है, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ प्लेन फाइंड आउट करना है। ठीक है, व्हेन पॉइंट एंड नॉर्मल टू द प्लेन इज गिवन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म और वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, वेक्टर आर माइनस पोजिशन वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है स्टूडेंट्स वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो टर्म है वो हम समझ लेते हैं, तो ये हमें पता है वेक्टर एन क्या है, हमारा नॉर्मल टू द प्लेन है। ठीक है, और यहाँ पे वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए इज अ पोजिशन वेक्टर ऑफ अ गिवन पॉइंट। ठीक है, वेक्टर ए क्या है, पोजिशन वेक्टर ऑफ अ गिवन पॉइंट ए। ठीक है, सपोज यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट ए है और उसका पॉइंट दिया हुआ है एक्स वन वाई वन और जेड वन दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के। ठीक है, तो ये हमारा पोजिशन वेक्टर ए हो जाएगा ऑफ अ गिवन पॉइंट। ओके, और आर हमें पता है, ऑलरेडी हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा हुआ है स्टूडेंट्स, आर इज अ पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। ठीक है, आर इज एनी पॉइंट एक्स वाई और जेड। ठीक है, यहाँ पे एक्स वन गिवन पॉइंट क्या रहेगा, एक्स वन वाई वन जेड वन। ठीक है, और ये हमारा आर इज ए एनी पॉइंट, तो उसका पोजिशन वेक्टर आर है। ठीक है, तो ये हमें यही इक्वेशन यूज़ करना है उसके लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा, ये हमारे टर्म्स है, ये हमने समझ लिए, तो अभी हम इस पर बेस्ड एग्जाम्पल देते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमें देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, दैट पासिस थ्रू द पॉइंट, पॉइंट हमें देखिए क्या दिया हुआ है, जीरो सॉरी ए वन जीरो माइनस टू एंड नॉर्मल
टू द प्लेन इज, यहाँ पे देखिए हमें नॉर्मल टू द प्लेन क्या दिया हुआ, पोजिशन वेक्टर आई जे माइनस के दिया हुआ, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमें वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बार हमने जैसे ही वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया ये फॉर्मूले से, तो हम इजीली उसका कार्टेशियन फाइंड फॉर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले हम वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं गिवन कंडीशन पे। तो यहाँ पे हमें पॉइंट दिया हुआ है और ये हमें नॉर्मल टू द प्लेन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए पॉइंट क्या दिया हुआ, गिवन पॉइंट उसे हम ए कंसिडर कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 1, 0, -2, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर पोजीशन वेक्टर ए इज इक्वल्स टू व्हाट, i1+0j-2k, ठीक है। ये हमारा पोजीशन वेक्टर ए मिल गया। और वेक्टर देखिए नॉर्मल टू द प्लेन क्या दिया, वेक्टर n i+j-k दिया हुआ है, ओके स्टूडेंट्स। तो अभी ये दोनों चीज़ें हमें मिल गई, हम ये फॉर्मूले पुट कर देंगे तो हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या है, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट एन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पर देखिए वेक्टर आर की जगह पर हम वेक्टर आर ही यूज़ करेंगे, ठीक है। और वेक्टर पॉइंट ए क्या दिया हमें, देखिए ये फाइंड आउट किया है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर हम लिखते हैं i-0j-2k डॉट पोजिशन वेक्टर n, n क्या है हमारा, दिस i+j-k, ओके इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो एक बार हम r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार हम इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, वेक्टर r i+j-k, ओके। और ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर बाहर माइनस का साइन रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स कैसे हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, i j-k इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो i डॉट i 1 होता है, जे डॉट जे 0 हो जाएगा कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, और ये बाहर माइनस का साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस के डॉट के क्या होता है 1, तो यहाँ पे 2 है, 2.12 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 1-2-3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा देखिए इक्वेशन क्या मिल जाएगा, वेक्टर आर i+j-k इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये हमारा देखिए इक्वेशन जो मिला हुआ है स्टूडेंट्स, ये हमारा वेक्टर, दिस इज अ रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ठीक है। अभी इसके बाद हमें कार्टेशियन फॉर्म फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो कार्टेशियन जब भी कार्टेशियन फॉर्म फाइंड आउट करना रहता है स्टूडेंट, बहुत ही ईजी है ये, हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। कैसे, तो अभी देखिए आर हमने क्या यूज़ करने के लिए बताया था स्टार्टिंग में, आर आप ये यूज़ करोगे, ठीक है। तो आर के जगह पर इसे चाहिए तो आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, इसके हेल्प से ही हम फाइंड आउट करेंगे। सिंस वेक्टर आर इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स आई वाई जे और जेड के, ठीक है। अभी हम ये हम इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे, पुट वेक्टर आर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर हम आर के जगह पर ये टर्म पुट करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो देखते हैं, देयरफॉर एक्स आई वाई जे जेड के डॉट आई जे माइनस के इज इक्वल्स टू 3। इसे आप सिंप्लीफाई करिए और आपका कार्टेशियन फॉर्म में मिल जाएगा। अभी देखिए आई डॉट आई, अभी देखिए स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन में देखा हुआ है डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 होता है x इंटू 1 एक्स,
ठीक है, जे जे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे वाई मिल जाएगा, और जेड वन के साथ मल्टीप्लाई होगा ठीक है माइनस जेड हो जाएगा इज इक्वल टू थ्री। तो ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में हो गया ठीक है। जब भी आप कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं कॉन्स्टेंट आपको आप इस तरफ लिख सकते हैं ठीक है। तो ये हमारा एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस थ्री इज इक्वल टू दिस ज़ीरो ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म। ओके स्टूडेंट, तो कार्टेशियन फॉर्म देखिए स्टूडेंट बहुत इजी है फाइंड आउट करना। आपने वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट कर लिया, उसमें हम सिर्फ पोजिशन वेक्टर आर जो है ये पुट कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ओके तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन बी देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ है दैट। तो यहाँ पर भी हमें वेक्टर एंड कार्टेशियन फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है दैट पासिस थ्रू द पॉइंट। यहाँ पर हमें पॉइंट दिया हुआ है एंड नॉर्मल टू द वेक्टर टू द प्लेन दिया हुआ है ठीक है, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें सेम क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था ठीक है। तो यहाँ पे हमें गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ गिवन, गिवन पॉइंट, व्हाट इज़ गिवन पॉइंट, यहाँ पे देखिए उसे हमने ए कंसिडर कर लिया, क्या हमारा ए फोर एंड सिक्स, वन फोर सिक्स। तो यहाँ पर उसका पोजिशन वैक्टर ए हमने ए वैक्टर ए दिया हुआ है वन जे वन आई फोर जे और सिक्स के ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन वेक्टर ऑफ अ गिवन पॉइंट मिल गया स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे हमें नॉर्मल टू द वेक्टर क्या दिया हुआ है, वेक्टर एन इज इक्वल टू व्हाट, आई माइनस टू जे प्लस के। ओके तो अभी हमें इसका पहले कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसके हेल्प से हम कार्टेशियन फॉर्म फाइंड आउट कर लेंगे ठीक है। देयरफॉर द वेक्टर वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन का फॉर्मूला क्या है, स्टार्टिंग में हमने देखा था वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू ज़ीरो, सारे टर्म पुट करते हैं। वेक्टर आर के जब पे हम कुछ नहीं पुट करेंगे, पोजिशन वेक्टर ए हमने फाइंड आउट किया आई प्लस फोर जे माइनस सिक्स के डॉट एन इज इक्वल टू, एन क्या है हमारा देखिए ये भी हम लिख देते हैं यहाँ पर, दिस इज एन आई माइनस टू जे प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है। तो यहाँ पे हमने एन के जगह पे और ए वेक्टर ए के जगह पे जो दो नो वेक्टर थे वो हमने रख दिया। अभी से हम सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वेक्टर ए आई माइनस टू जे प्लस के माइनस आई प्लस फोर जे माइनस सिक्स के डॉट आई माइनस टू जे प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसको एज इट इज़ रखते हैं, वेक्टर आर आई टू जे प्लस के ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे कैप दे लिए डालिएगा ज़रूर। अभी इसे जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे आई डॉट आई वन हो जाता है, जे डॉट जे तो माइनस एट हो जाएगा और के डॉट के माइनस सिक्स हो जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो फोर्टी माइनस फोर्टीन प्लस वन माइनस थर्टीन, माइनस थर्टीन माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर वेक्टर आर आई माइनस टू जे प्लस के ठीक है प्लस थर्टीन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारा देखिए रिक्वायर्ड आंसर आ गया स्टूडेंट्स, द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अभी हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, इसका हमें कार्टेशियन फॉर्म चाहिए। तो अभी कार्टेशियन फॉर्म के लिए हम बहुत ही सिंपली जैसे हमने पहले एग्जांपल में किया था सेम हमें वैसे ही करना है। तो पोजिशन वेक्टर जो आर दिख रहा है उसके जगह पे हमने क्या यूज़ करना है, इसे आप इक्वेशन नंबर वन लिख सकते हैं ठीक है। सिंस पोजिशन वेक्टर आर हमें पता है क्या यूज़ करना है, एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के ठीक है। तो अभी ये आर का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट पोजिशन वेक्टर आर इन इक्वेशन वन ठीक है। तो इक्वेशन वन में पुट करेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा ठीक है। यहाँ पर इसके जगह पुट करना है तो सॉल्व करिए इसे, तो एक्स आई वाई जे
जेड के आई माइनस टू जे प्लस के प्लस 13 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इसमें डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना है, तो डॉट प्रोडक्ट पता है हमें, आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, के डॉट के वन होता है, बाकी के सारे डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होते हैं। तो ये हमारा एक्स हो जाएगा माइनस टू वाई हो जाएगा और यहाँ पे प्लस जेड इज इक्वल प्लस 13 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये डॉट प्रोडक्ट ऑलरेडी हमने इसके प्रीवियस एग्जाम्पल्स में देखा हुआ है कैसे हमने करना है, तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप स्टूडेंट्स इसके पहले वाले एग्जाम्पल में ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन दैट पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें वेक्टर फॉर्म या फिर कार्टेशियन फॉर्म ऐसा कुछ बोला हुआ नहीं है, तो हम दोनों ही निकाल लेंगे। पहले वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, फिर इसके हेल्प से हम कार्टेशियन फॉर्म फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है, व्हेन 3 पॉइंट इज गिवन पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स, तो उसका वेक्टर फॉर्म क्या रहेगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन व्हेन 3 पॉइंट्स आर गिवन। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला यूज़ करना स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, वेयर वेक्टर पोजिशन वेक्टर ए बी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हमारे पास कोई 3 पॉइंट दिए हुए, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, उसका हमें पोजिशन वेक्टर ए बी और सी मिलेगा और उसको हम ये फॉर्म में पुट कर देंगे और हमें उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्रॉस प्रोडक्ट भी चाहिए रहेगा, तो डॉट प्रोडक्ट हमने पता है कि कैसे फाइंड आउट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन में ही। ओके, तो यहाँ पर हमारा देखिए क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 3 पॉइंट्स इज गिवन, ये 1, 2, 3 हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें व्हाट इज़ गिवन, गिवन पॉइंट्स, व्हाट इज़ गिवन पॉइंट्स, यहाँ पर हम नाम देते हैं ए 1, 1, -1 और बी 6, 4, -5 एंड सी इज इक्वल टू -4, -2 एंड 3। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या मिल जाएगा, पॉइंट ए से हमारा पोजीशन वेक्टर ए मिल जाएगा आई प्लस जे माइनस के। ठीक है, और पोजीशन वेक्टर बी क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 6i + 4j - 5k। ठीक है स्टूडेंट्स, और पोजीशन वेक्टर सी क्या मिल जाएगा, पॉइंट सी से -4i - 2j और +3k। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें सारे वेक्टर ए बी सी मिल गए, पॉइंट्स मिल गए, जो पॉइंट गिवन पॉइंट से पोजीशन वेक्टर मिल गया। अभी हम ये फॉर्म में पुट कर देंगे, तो देखिए वी हैव क्या फॉर्मूला, पोजीशन वेक्टर आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, बी माइनस ए कर लेते हैं और सी माइनस ए कर लेते हैं, उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देयरफॉर बी माइनस ए क्या हो जाएगा, बी हमारे पास क्या दिया हुआ है, 6i - 4j - 5k दिया हुआ है, माइनस क्या करना है, ए करना है। ए क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे बाहर माइनस का साइन है, तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये सब का साइन चेंज हो जाएगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, तो वो स्टेप मैंने किया हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमने ए माइनस बी किया हुआ है, तो जब इसके आगे माइनस का साइन है, ब्रैकेट ओपन होगा, तो यहाँ पे सबका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली वेक्टर का एडिशन सब्सट्रैक्शन हमें पता है, 6i - 1i क्या हो जाएगा, 5i हो जाएगा, और यहाँ पे +3j हो जाएगा, और यहाँ पे -4k हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, माइनस ए पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए मिल गया। ठीक है, नाउ अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, दिस पोजीशन वेक्टर सी माइनस ए करना है। यहाँ पे सी क्या है आपके पास, देखिए -4j - 2j + 3k। ठीक है, और यहाँ पे और ए क्या दिया हुआ है, i - j - k दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो अभी से आप जब सिंप्लीफाई करोगे, तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ओपन करोगे, तो यहाँ पे सबका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो स्टेप मैं करके दिखा देता हूँ, माइनस
माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। आई माइनस आई फोर आई मतलब ये फाइव आई हो जाएगा, माइनस फाइव आई ये हमारा माइनस थ्री जे और ये हमारा फोर के हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया, बी माइनस ए और सी माइनस ए मिल गया है, ठीक है। तो अभी हम ये फॉर्म में पुट कर देंगे, तो हमारा पास देखिए स्टूडेंट्स देयर फोर वेक्टर आर माइनस ए, ए क्या है वो पॉइंट लिख दीजिए यहाँ पर, क्वेश्चन वेक्टर ए हमें दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। तो वो हमने लिख दिया है ब्रैकेट डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमने बी माइनस ए क्या फाइंड आउट क्या दिस, तो ये फाइव आई प्लस थ्री जे माइनस फोर के, इनका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट। फिर हमें एक स्टेप और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी करना पड़ेगा, किसका माइनस फाइव आई माइनस थ्री जे प्लस फोर के, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो अभी हमारे पास देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अभी देखिए मैं इसका रफली मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ आई जे के, यहाँ पर क्या है फाइव थ्री माइनस फोर, यहाँ पर क्या है माइनस फाइव माइनस थ्री फोर, ठीक है। ये डिटरमिनेंट्स आप फाइंड आउट करेंगे, तो ये आई, ये हमें डिटरमिनेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये रो और ये कॉलम को छोड़ के इसका डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, ट्वेल्व माइनस प्लस ट्वेल्व, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व हो जाएगा, माइनस जे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ट्वेंटी माइनस ज़ीरो ट्वेंटी, और प्लस के दिस इंटू दिस माइनस माइनस प्लस दिस इंटू दिस, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा हमारा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारा जो डिटरमिनेंट्स है ज़ीरो आ रहा है, मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरो ही आएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ज़ीरो, ज़ीरो एंटी एनी टर्म ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ज़ीरो, ज़ीरो एंटी ज़ीरो इंटू एनी टर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपको ज़ीरो मिल जाएगा। लेकिन देखिए अभी स्टूडेंट्स अब हम एक स्टेटमेंट दे देंगे, ठीक है, हमें एक इक्वेशन नहीं मिला हुआ है, यहाँ पर हमें ज़ीरो मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट देना होगा स्टूडेंट्स आपको, क्या है स्टेटमेंट क्या देखेंगे, द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये आप रफ वर्क करिए, ठीक है। देयर देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें देखिए इक्वेशन नहीं मिल रहा है, इसका ज़ीरो ही मिल रहा है, तो ये हम इसीलिए ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। यहाँ पर अगर कोई इक्वेशन मिल जाता तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाता था, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखें, देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, बी पॉइंट है हमारे पास तीन पॉइंट, वन वन ज़ीरो वन टू वन एंड माइनस टू टू माइनस वन, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, वी हैव पॉइंट, पॉइंट क्या हमारे पास ए नाम दे देते हैं, वन वन ज़ीरो, बी वन टू वन और सी माइनस टू टू माइनस वन, ठीक है। तो इसे पोजिशन वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, पॉइंट ए से हमें वेक्टर मिल जाएगा ए आई प्लस जे माइनस ज़ीरो के, ठीक है स्टूडेंट। बी हमें क्या मिल जाएगा, आई टू जे प्लस वन के, और सी क्या मिल जाएगा, माइनस टू आई प्लस टू जे माइनस वन के, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स ए बी सी दिया हुआ है, क्वेश्चन वेक्टर मिल गया, अभी हमारे पास वेक्टर इक्वेशन क्या है, फॉर्मूला देखिए हमारे पास क्या है, वी हैव फॉर्मूला आर डॉ वेक्टर आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो।
ये फॉर्मूले में देखिए हमें क्या दिख रहा है, बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए दिख रहा है। तो सबसे पहले हम बी माइनस ए और सी माइनस ए निकाल लेते हैं, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। पहले बी माइनस ए कर लेते हैं, सिंस बी माइनस ए इज इक्वल्स टू वॉट, बी हमारे पास आई टू जे के है और ए क्या है हमारे पास आई जे के है, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे ज़ीरो आई ये माइनस वन जे माइनस ज़ीरो के, ठीक है, ये हमें बी माइनस ए मिल गया। अभी हम क्या करते हैं, सी माइनस ए कर लेते हैं ना, सी माइनस ए, सी क्या लिखेंगे माइनस, यहाँ पर दिया हुआ है सी और ए क्या दिया हुआ है, दिस इज ए आई जे के, ब्रैकेट ओपन करोगे, यहाँ पे देखिए ज़ीरो है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं लगता है, ए हमारा यहाँ पे ये ज़ीरो है, ठीक है। तो वन माइनस ज़ीरो यहाँ पे वन के होगा, प्लीज़ स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, नहीं तो हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो के है। ओके, तो सेम यहाँ पर भी देखिए, माइनस टू आई माइनस वन आई माइनस थ्री आई हो जाएगा, टू आई माइनस छः, तो यहाँ पे टू जे माइनस जे प्लस जे हो जाएगा और वन के माइनस ज़ीरो के माइनस के हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये क्या मिल गया, बी माइनस ए सी माइनस ए मिल गया। अभी इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं ना। देखिए अभी जब भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना रहता है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, यहाँ पे आई जे के, ओके। अभी इसका वेक्टर क्या है, दिस, यहाँ पर आई का कोएफिशिएंट ज़ीरो, जे का कोएफिशिएंट वन, के का कोएफिशिएंट वन, यहाँ पर सेकंड देखिए इसका कोएफिशिएंट माइनस थ्री वन और माइनस वन है, ठीक है। अभी इसका डिटरमिनेंट्स निकाल लेंगे स्टूडेंट, तो इजी है ये, आई दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये माइनस टू हो जाएगा, माइनस छः दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये थ्री हो जाएगा और प्लस के सॉरी दिस इंटू दिस ज़ीरो, दिस इंटू दिस ये थ्री हो जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमें क्या मिलेगा, माइनस टू आई माइनस थ्री जे प्लस थ्री के, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट मिल गया। अभी देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन व्हेन थ्री पॉइंट्स आर गिवन, क्या फॉर्मूला, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अभी हमने ये क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, ये है हमारा, और वेक्टर ए क्या है यहाँ पर लिख दीजिए आई प्लस जे प्लस के, और ये हमने क्या निकाला, माइनस टू आई माइनस थ्री जे प्लस के इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स और हमें आंसर मिल जाएगा, देयरफॉर इसे आप पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन करिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर माइनस टू आई माइनस थ्री जे प्लस थ्री के और माइनस आई जे के डॉट माइनस टू आई माइनस थ्री जे प्लस थ्री के इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो अभी हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं स्टूडेंट्स, ये एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, आई डॉट आई माइनस टू हो जाएगा, जे डॉट जे माइनस थ्री हो जाएगा, के डॉट के ये प्लस थ्री हो जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम फिर से मिस्टेक कर रहे हैं, वेक्टर ए हमारा ये ज़ीरो है, ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा यहाँ पर ज़ीरो रहेगा, ओके। तो यहाँ पर हम फिर से मिस्टेक कर रहे थे, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये माइनस फाइव, ठीक है, देयरफॉर माइनस टू जे माइनस थ्री के माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, फाइव इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स हमें कौन सा वेक्टर फॉर्म में मिल गया, अभी इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको कार्टेशियन फॉर्म मिल जाएगा, पुट वेक्टर आर इज इक्वल्स टू एक्स आई वाई जे जेड के, ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक्स आई वाई जे जेड के माइनस टू जे टू आई थ्री जे प्लस थ्री के माइनस फाइव इज इक्वल्स टू ज़ीरो। देखिए स्टूडेंट्स ये आई है, ठीक है, आप इसे सिंप्लीफाई करिए, डॉट प्रोडक्ट
माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई और ये प्लस थ्री जेड प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हमें ये टू एक्स लिख सकता है, ये प्लस थ्री वाई लिख सकता है, ये माइनस थ्री जेड लिख सकता है, ये माइनस फाइव हो जाएगा उस तरफ ले लेंगे प्लस फाइव मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा देखिए रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स के बी का। ठीक है, तो ये वीडियो को स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ही स्टॉप कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फाइव और क्वेश्चन नंबर सिक्स के सारे एग्जांपल्स कवर किए हुए हैं। आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर वन टू फोर ऑलरेडी हमने देखा हुआ है दूसरे वीडियो में, और इसके बाद के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमने दूसरे वीडियो में देखे हुए हैं। अगर आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चन और इसके बाद के क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है स्टूडेंट, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉलो करिए, बचे हुए एग्जांपल्स को सारे आप कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो के एंड में थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो पर एक छोटा सा कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कुछ इशू है या फिर सजेशन है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको ये मेरे चैनल का ज़रूर लिंक शेयर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।